अज्यूम अर्थ टू बी स्पीयर ऑफ रेडियस आर। चलो, अर्थ को हमने एक सॉलिड होमोजीनियस स्पीयर शुरू में ही ग्रेविटेशन में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एज्यूम कर लिए थे। तो अर्थ इज अज्यूम सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस आर, ए प्लेटफॉर्म अरेंजेड हाइट एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो, अब अगर मैं अर्थ को यहाँ अज्यूम कर लूँ एक सॉलिड स्पीयर, चलो मान लिया मैं अर्थ को एक सॉलिड स्पीयर, और यहाँ से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया कुछ एच हाइट के ऊपर, यहाँ से प्लेटफॉर्म बनाया गया। दिस इज हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये एच हाइट पे हमने क्या किया प्यारे बच्चों, एक प्लेटफॉर्म बनाया। अब मैं एच हाइट पे प्लेटफॉर्म बनाया, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। अब यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से मैं किसी बॉडी को एस्केप कराऊंगा, मान लो हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पर एस्केप करा दिए, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो vf है, ठीक है, vf है, वेयर v इज द एस्केप वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ से एस्केप करा दो, एस्केप कराने का क्या मतलब होता है, जब कभी भी हम अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो इसमें तीन केसेस होता है, ठीक है। केसेस देखो कितने कितने केस होते हैं, अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकता हूँ तो हो सकता है ये नीचे आ जाए, हो सकता है ये इन्फिनिटी पे चला जाए, हो सकता है इन्फिनिटी पे जाके भी मोशन करे, ठीक है, इंटर स्पेस पे मोशन करे, ठीक है। तो तीन पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये नीचे आ जाए, हो सकता है जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंच जाए जहां पोटेंशियल काइनेटिक जीरो हो जाए, हो सकता है इन्फिनिटी पे जाके वहां भी घूमता रहे, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कितनी वेलोसिटी से फेंकते हो, तीन वेलोसिटी यहाँ है, इसके लेस देन एस्केप वेलोसिटी नीचे आ जाएगा, इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी जस्ट टू रीच द इन्फिनिटी, एंड ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी इन्फिनिटी पे जाके भी घूमेगा, मस्ती करेगा वहां, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसको जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंचा देना यार बस, ठीक है। तो हमें निकालना है एस्केप एफ की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तो ये मान लो आपको पता ही नहीं कि एच हाइट से एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। आपको ये तो पता होगा भाई, यहाँ से एस्केप वेलोसिटी अर्थ से सरफेस से एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, 2gm ओवर रेडियस ऑफ द अर्थ, ये होता है। अब आपको नहीं पता है कि एच हाइट से एस्केप वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, तो आप क्या करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, कहाँ कहाँ, यहाँ पर एनर्जी कंजर्व कराओगे और इन्फिनिटी में एनर्जी कंजर्व कराओगे, तब आपको यहाँ एस्केप वेलोसिटी पता चलेगा यार, ठीक है। लेकिन एक बच्चा है जो जिसको अच्छे से पढ़ाया गया है और उसने पढ़ा है और उसको ये बात पता है कि एच हाइट से एस्केप वेलोसिटी जो होती है, एस्केप वेलोसिटी होती है वो 2gm r प्लस h के इक्वल होती है, ये दोनों एस्केप वेलोसिटी, एच हाइट से gm r प्लस h होता है, सरफेस से एस्केप वेलोसिटी अर्थ के इतनी होती है। तो v डैश की वैल्यू इन्होंने दे रखा है कि vf के इक्वल है, ये vf के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम लोगों का टारगेट है f की वैल्यू निकालना, तो चलो f की वैल्यू निकालना, और ये हाइट जो है रेडियस के इक्वल है यार, दैट हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, बस इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो 2gm इज इक्वल टू आर प्लस एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। या नहीं तो और आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं इसको, इतना क्यों कॉम्प्लेक्स करें हम लोग। आर और एच आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2gm इज इक्वल टू 2r अंडर रूट इज इक्वल टू वी एफ, ठीक है। आर और एच हाइट इक्वल है, तो 2 ने 2 को, इसका मतलब ये हुआ कि gm ओवर r अंडर रूट इज इक्वल टू वी एफ, और gm ओवर r किसके बराबर है, gm ओवर r ये वी के भी इसके वेलोसिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट जी एम ओवर आर, यहाँ से अब यहाँ से यूज कर लो, यहाँ से हम वैल्यू यूज कर लेते हैं कि वी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो वी इज इक्वल टू है रूट टू जी एम ओवर आर अंडर रूट, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं। तो जी एम ओवर आर जो है वी बाई रूट टू हो गया, वी बाई रूट टू हो गया। तो फाइनली जो सोल्यूशन बना ये वी बाई रूट टू हो गया और ये आ जाएगा वी अपन एफ, तो वी ने वी को, तो एफ की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, दैट इज द एफ,
ठीक है, द प्रोजेक्शन फ्रॉम द एच हाइट, इसके वेलोसिटी एंगल पे डिपेंड नहीं करता, 1/√2 इसका सोल्यूशन सही है, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों इसका